टॉर्क एंड एप्लीकेशंस में टॉर्क का फॉर्मूला जो हमने किया वो क्या फॉर्मूला किया था, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई या आर क्रॉस एफ। टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा, आई इन टू एल्फा। जैसे लीनियर मोशन में हम मास यूज करते हैं, रोटेशनल में आई यूज करते हैं, इसमें हम फोर्स यूज करते हैं लीनियर में, और रोटेशनल में टॉर्क यूज करते हैं। इसमें ए यूज करते हैं, इसमें अल्फा यूज करते हैं, इसमें एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, इसमें टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा होता है। ठीक, इसके अंदर लीनियर मोमेंटम पी होता है, इसमें एंगुलर मोमेंटम एल होता है, पी होता है एम इंटू वी, एल होता है आई इंटू ओमेगा। इसमें एफ जो होता है इज डी पी बाई डी टी, इसमें टॉर्क इज डी बाई डी टी ऑफ पी की जगह एल। तो ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है, इसके अंदर टॉर्क आई एल्फ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने किया हुआ है। इसकी जो एप्लीकेशन है कुछ ऐसी है, अगर आपके पास दो ब्लॉक्स हैं और एक पुली है, तो ये जो पुली है ये मासलेस नहीं है, ये मास है इसका। जब पुली मासलेस होती है तो टेंशन की वैल्यू स्प्रिंग्स में सेम रहती है, लेकिन अगर मास है तो टेंशन यहाँ पर टी वन, यहाँ पर टी टू, टी टू होती है। तो क्वेश्चन है एक्सेलेरेशन टी वन और टी टू निकालो। पहली क्वेश्चन ये बनेगी थ्री जी माइनस टी टू इज थ्री ए, दूसरी क्वेश्चन बनेगी टी वन माइनस टू जी इज टू ए, तीसरी क्वेश्चन बनेगी ये पुली बनाएं, पुली के यहाँ टी टू, यहाँ पर टी वन बनाएं, तो ये एक्सेस है। तो आर इंटू टी टू इसका क्लॉकवाइज टॉर्क है, और आर इंटू टी वन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज ग्रेटर देन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तभी तो बॉडी कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क क्या है, आर इंटू टी टू माइनस आर इंटू टी वन, और नेट टॉर्क होगा क्या, आई टाइम्स एल्फा, आई इंटू एल्फा। तो यहाँ से याद रखना एक चीज कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की, इस बॉडी की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है आर इंटू ओमेगा, ठीक, आर ओमेगा। और ऐसी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होती है, आर इंटू एल्फा, इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा, ये याद रखना है। तो आपको क्योंकि इसमें ए निकालना है, पर आपकी ये वाली इक्वेशन किस में बन गई, एल्फा में, तो एल्फा की जगह रिप्लेस करो ए बाय आर। और क्योंकि डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टी वन टी टू एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, दो ब्लॉक्स हैं, पुली मासलेस नहीं है, पुली का मास है, पुली का मास है, तो ये मान लो ऐसे जा रही है, तो नीचे की तरफ 3g sin 30, यहाँ पर 2g sin 60, और यहाँ पर t2 t2 t1 t1। इसकी इक्वेशन 3g sin 30 माइनस t1 इज 3a, और इसकी इक्वेशन t2 माइनस 2g sin 60 इज 2a। और पुली के लिए, ये पुली है t1 एंड t2, तो इसका टॉर्क है r into t1, इसका टॉर्क है r into t2, नेट टॉर्क है r into t1 माइनस r into t2 इज i अल्फा। पुली के लिए i क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर, और अल्फा क्या है, a बाय r। तो इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन है, दो स्ट्रिंग्स हैं और एक ये रॉड है, मान लो आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया, पहला क्वेश्चन आएगा इसमें टॉर्क निकालने क्या होगा, तो टॉर्क इसमें क्या होगा, एम जी फोर्स इंटू, ये एक्सिस होगा इसका रोटेशन का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जो कि कितना है, एल बाई टू, ये टॉर्क आ गया। टॉर्क का एक और फॉर्मूला है आई अल्फा, क्वेश्चन में आएगा ये बताओ इस एक्सिस को मानते हुए रॉड नीचे रोटेट करेगी तो इसका अल्फा क्या होगा। आप इन दोनों को इक्वेट कर लें, आई की जगह एम एल स्क्वायर बाई थ्री पुट कर दें, सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। दूसरा पार्ट आ गया, पहला पार्ट क्या आ गया, इसमें टॉर्क आ गया, दूसरा इसमें अल्फा आ गया। तीसरा पार्ट, जो सेंटर ऑफ मास है, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जब ये रॉड नीचे घूम के घूमती हुई नीचे आएगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास ये पाथ फॉलो करेगा, चेक करो, तो कितने रेडियस में घूमेगा, एल बाई टू, तो सेंटर ऑफ मास एल बाई टू रेडियस में घूमेगा। तो सेंटर ऑफ मास एल बाई टू रेडियस में, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो ए इज इक्वल टू आर एल्फा, एल्फा की वैल्यू वहां से निकाल के यहां पुट करेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड। अगर आपको क्वेश्चन
यहाँ की एक्सलेशन की बजाय यहाँ की एक्सलेशन आ जाए, तो ए इज इक्वल टू आर एल्फा से अब आर की जगह क्या पुट करेंगे, एल बाई टू नहीं, आप पुट करेंगे एल एल्फा, तो यहाँ से आंसर आएगा। ठीक, इसी के अंदर आपको टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में क्या होगी, एक स्ट्रिंग तो काट दिया आपने, दूसरे की टेंशन क्या होगी ये बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे, रॉड है, इसका वेट क्या है नीचे एम जी, टेंशन क्या है टी, तो रॉड जब नीचे आ रही है तो एम जी माइनस टी इज एम इन टू ए सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास की एक्सलेशन निकालनी है तो सारी क्वेश्चन रोटेशन पे नहीं ट्रांसलेशन पे लगेगी, तो एम जी माइनस टी इज एम इन टू ए सेंटर ऑफ मास, तो टी की वैल्यू एम ए सेंटर, एम जी माइनस ए एम ए, ए सेंटर ऑफ मास हमें पता है ऊपर, यहाँ से वैल्यू पुट करके टी की वैल्यू आएगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रोलिंग। रोलिंग का मतलब जैसे एक टायर खड़ा खड़ा घूम रहा है, वो प्योर रोटेशन है। एक टायर स्लाइड करता हुआ आ रहा है, वो प्योर ट्रांसलेशन है। टायर प्रॉपर रोल कर रहा है तो ट्रांसलेशन भी है और साथ में रोटेशन भी है। तो रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करता है, घूमता नहीं है, बाकी पार्टिकल उसके आसपास घूमते हैं। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है रोलिंग में। अगर मान लो ये एक चक्कर पूरा कर ले, एक व्हील एक चक्कर पूरा कर ले प्योर रोलिंग में, ए पार्टिकल ए पे वापस आ जाए घूम के, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, 2πr। मेंस वालों ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा 2πr पता होना चाहिए, तो एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा 2πr। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, इसके अंदर ये याद रखें प्योर रोलिंग में जब कोई बॉडी प्रॉपर प्योर रोलिंग करती है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा, आर ओमेगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, आर अल्फा। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक ये रिजल्ट याद रखना है आपने। नेक्स्ट इसमें ये याद रखना है, रेडियस ऑफ गायरेशन हमने कर लिया है एम के स्क्वायर। जैसे अगर मान लो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका आई का फॉर्मूला 2/5 एम आर स्क्वायर है, एम के स्क्वायर पुट करेंगे तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5 आएगा, डिस्क के लिए हाफ आएगा, रिंग के लिए 1 आएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, रूट भी है मीन भी है और स्क्वायर ऑफ ऑल डिस्टेंसेज ऑफ पार्टिकल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। तो हर पार्टिकल का एक्सिस से दूरी अलग अलग होगी, किसी की r1, किसी की r2, किसी की r3, किसी की rn, उन सब का स्क्वायर का मीन का अंडर रूट, रूट मीन स्क्वायर है, ये पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर इंक्लाइन प्लेन से बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नोट करें, जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r². तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r². तो अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर ये बॉडी एक रिंग है तो रिंग के लिए क्या यूज करेंगे, k² / r² 1। अगर मान लो ये बॉडी डिस्क है तो k² / r² 1/2। अगर मान लो सॉलिड स्फीयर है तो k² / r² 2/5, तो आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला नोट कर लिया। इसके अंदर जैसे क्वेश्चन आएगा, एक सॉलिड स्फीयर है, डिस्क है, रिंग है, ये तीनों के तीनों टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन से हमने छोड़ दिए, मास और रेडियस सेम है, कौन पहले पहुंचेगा, जिसकी एक्सलेशन सबसे ज्यादा होगी वो तो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, किसकी ज्यादा होगी, जिसका k² / r² कम होगा, सबसे कम होगा। सबसे कम किसका है, स्फीयर का 0.4 है, यानी कि 2/5 0.4 है, डिस्क का 0.5 है और रिंग का 1 है। तो सबसे ज्यादा रिंग है तो k² / r² सबसे ज्यादा, अगर रिंग है तो ए सबसे कम उसका है तो रिंग सबसे लास्ट में आएगी, और स्फीयर का k² / r² सबसे कम है तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, सबसे पहले वो नीचे आएगा। ठीक, नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट करती हुई आगे जा रही है, रोटेट नहीं कर रही, घिसटती हुई आगे जा रही है, तो एनर्जी सेंटर ऑफ मास की हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई बॉडी खड़ी खड़ी रोटेट कर रही है, इसको प्योर रोटेशन बोलते हैं, खड़ी खड़ी घूम रही है तो आई ई का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो रोल में इज सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, तो टोटल एनर्जी ये होगी, ये टोटल एनर्जी है। ठीक, इस रिजल्ट को अगर मैं मॉडिफाई करूं, है ना, मॉडिफाई करूं, तो मैंने मॉडिफाई किया ये रहा, करते करते ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
टोटल एनर्जी को लिखने का ये भी तरीका है, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। टोटल एनर्जी लिखने का ये भी तरीका है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, लिख लिया। तो अगर जैसे स्फेयर रोल कर रहा है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 पुट कर लो, अगर डिस्क रोल कर रही है तो हाफ पुट कर लो, रिंग रोल कर रही है तो वन पुट कर लो। जैसे क्वेश्चन आएगा, एक बॉडी को रोल करवाने के लिए रोल करवाया, टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन से छोड़ दिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, वो नीचे आई, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी नीचे आने की थी। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, सिर्फ एम जी एच, घूम तो रही नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगी और रोलिंग एनर्जी हो जाएगी। रोलिंग एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इक्वेट करो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। अगर न्यूमेरिकल में डिस्क हुआ तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ पुट कर लो, अगर ये रिंग हुआ तो वन पुट कर लो, स्फीयर हुआ 2/5 पुट कर लो, तो वेलोसिटीज कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक, नेक्स्ट है, अगर आपके पास ये एक डिस्क है, स्टेशनरी है, एक मास लटका हुआ है, मास को रिलीज कर दिया, तो वो मास कहाँ पे आया, नीचे आ रहा है, किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी वी है, तब को वी बताना है क्या है। तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक की, काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक की और डिस्क की रोटेशनल एनर्जी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम है। अगर मैं इसे ग्राउंड मान लूँ, पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो, काइनेटिक क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हील की क्या है, जीरो, पोटेंशियल क्या है, MGH, kinetic cap block की zero, तो equate कर लेंगे, तो MGH is equal to half I omega square plus half mv square। अगर आपको question में v निकालना है तो एक काम करना पड़ेगा, इसकी tangential velocity v को हम क्या put कर सकते हैं, r into omega, omega क्या होता है, v by r, इस omega की value को यहां put कर लेंगे, तो MGH is equal to half I ओमेगा की जगह v by r का होल स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, सॉल्व करके v कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। मेथड समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे इन क्वेश्चन को हैंडल करना है, कोई डाउट इसमें? फोर एटी फाइव जूल की एनर्जी हमने स्पेंड की ताकि किसी व्हील, कोई व्हील रोटेट कर रहा है, उसकी स्पीड 60 rpm से 460 rpm हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी न्यू वन 60 rpm है, इसको rps में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड बाय 60, ऐसी फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। उसी तरीके से न्यू टू 460 rpm है, तो यहाँ से ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड, 2.2 फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा वन ओमेगा टू आ गया। आपको बताना है आई क्या होगा, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की है, हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन तो पता ही है, ओमेगा टू ओमेगा वन पता है, आई कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक, अगर कोई स्फेयर, हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर का मोमेंट रेशियो होता है 2/3 mr², घूमता 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 रुक गया, तो सारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज करने में, फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो एनर्जी थी कितनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। आई का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 mr², और क्योंकि हीट जो है वो कैलोरीज में है, ये जूल में है, तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जे से डेल्टा थीटा आ गया, डेल्टा थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्टिक यहाँ पे हिंज्ड है, रेस्ट पे है, ये वाला पोर्शन रेस्ट पे है, ये नीचे गिर गई, तो आपको बताना है ओमेगा क्या होगा इसका, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। जब ये रॉड यहाँ पे है तो इसके पास पोटेंशियल है एम जी इंटू एल बाई टू, और रोटेट करने में ये किसमें, जब ग्राउंड पे गिर गई, पोटेंशियल तो खत्म हो गई, जीरो हो गई, पर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई क्या है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई। कई बार ये क्वेश्चन में मीटर स्टिक गिवन होता है, मीटर स्टिक में एल क्या हो जाएगा, 1 meter आंसर आ जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन में ये होगा कि ये वेलोसिटी बताओ जिसे सेंटर ऑफ मास से हिट करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में डिस्टेंस क्या है, l बाई टू, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा लगा लेना, l बाई टू इन टू ओमेगा, ओमेगा यहाँ से यहाँ पुट कर लेना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड। अगर क्वेश्चन में आया वन पॉइंट की वेलोसिटी बताओ,
कोई बात नहीं, एल इंटू ओमेगा। सेंटर ऑफ मास के लिए एल बाई टू इंटू ओमेगा, वन पॉइंट के लिए एल इंटू ओमेगा लगा लेना। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, ओमेगा तो निकाल ही लोगे फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, इसके बेस पे ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, यहां से शुरू करना है। आंसर बोलो, करो स्टार्ट। चेक करें, इसका आंसर है 5। ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है। तो क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड रेडियस रूल कर रहा है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और स्क्वायर में क्या, स्फीयर का। और सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या बनेगा, 1/2 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू के सिलेंडर का स्क्वायर। डिवाइड कर लो, के एस और के सी की रेशियो आ जाएगी, तो रेशियो जो आ रही है इनकी सॉल्व करके कितनी आ रही है, 2/√5, आंसर 5। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट,
EMI और AC का जो सब्जेक्टिव टेस्ट है NCERT का, वो डेढ़ डेढ़ घंटे के दो टेस्ट हैं। EMI का डेढ़ घंटे का, AC का दो डेढ़ घंटे का। उसका रीज़न है जितने NCERT के टेस्ट हैं वो काम चलाऊ टेस्ट नहीं है कि चलो 10 क्वेश्चन ले लिए हो गया, पूरा थॉरो टेस्टिंग है। मैंने कोई डेरिवेशन छोड़ी नहीं है, मतलब भूला ही नहीं है। मैंने सारी लिखवा के देखनी देखनी है ना यार, मैं क्यों रिस्क लूँगा NCERT में। तो 29 क्वेश्चन के टेस्ट हैं EMI का और ऐसे 29 क्वेश्चन का AC का, बात ही खत्म हो गई। और आपको ज़्यादा तैयारी करनी है 10 ईयर परचेज कर लो मार्केट से, मैं 10 ईयर डाल रहा हूँ, जो पढ़ लो 10 ईयर जाके पढ़ने हैं, जिसके मर्जी 10 ईयर तो वही रहेंगे। आंसर है सबका आ गया 3। क्या पूछ क्या रहा है? कुछ नहीं है, पेपर घुमा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। वो कह रहा है जी डायमीटर के लॉन्ग ना 1/4 mR² होता है। वो हमें पता ही 1/4 mR² होता है, पर वो कह रहा है कि मेरे को एज के अलॉन्ग टेंजेंट पे निकालना है। अब मुझे पता है एक सिलेंडर का, एक डिस्क का फॉर्मूला 1/2 mR² होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 mR² प्लस mR² 3/2 mR², तो 3/2 mR² में निकाल लेना, 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट आंसर,
तरह किया क्या? कितना 2 लग रहा है आपको आंसर? इसका आंसर है नहीं, 110 है। देखो इसमें क्या करना है, ये एक स्फेयर है, आपको इस स्फेयर का इस एक्सिस के अबाउट आई जताना है। तो इस स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर है। तो इसके अबाउट क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल करना है, एम के स्क्वायर, यहां से के निकालना है, उस के को इसके साथ इक्वेट करना है, फिर आंसर आना है। अब करो चेक, ठीक है ना? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पहले आई निकलेगा, फिर आई को एम के स्क्वायर से, फिर के आएगा, करो ट्राई। और मीटर में एक मत करना, क्योंकि यहां पर सब सेंटीमीटर में है, देखो वो कह रहा है कि सेंटीमीटर ही चाहिए, ऐसे रखना, क्योंकि देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, कन्वर्ट मत करना, करो ट्राई। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, यहाँ से k की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 110। मेथड समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर। इसमें डेंसिटी यूज हो रही है, तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डिस्क की थिकनेस है, तो डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, करो ट्राई। देखो इसमें दो डिस्क हैं, सेम मास है और रेडियाई डिफरेंट है, और डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। थिकनेस आपको इसमें गिवन है, डेंसिटीज ऑफ मटेरियल्स की रेशियो गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज डिस्क रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर डायमीटर्स विल बी इन द रेशियो गिवन। तो आंसर निकालना है, डिस्क का आई क्या होता है अबाउट डायमीटर, 1/4 एम आर स्क्वायर। तो आपको तो बेसिकली ये निकालना है, तो आपको R1 R2 की रेशियो चाहिए, आंसर आएगा। अब क्योंकि मास बराबर के बने, थिकनेस T1 T2 के बने, मास को लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस टी, जो है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी की जगह मान लो S1 लिख लिया, कोई बात नहीं। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यहाँ से R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर की रेशियो आएगी, वो नीचे पुट की जाएगी, आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मास को इक्वेट करके वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस, आंसर आएगा। कितना 5 आ गया था? 5 आ गया था। नेक्स्ट,
क्या क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक फैन कॉन्टिन्यूज टू रोटेट फॉर सम टाइम आफ्टर करंट इज स्विच्ड ऑफ, बिल्कुल सही है। फैन कॉन्टिन्यूज रोटेट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, आंसर बी है सही है। नेक्स्ट सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही होना चाहिए था किसका, बोथ ए एंड अच्छा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है तो बी बोला मेरे को लगा कि हाँ तो बी बोला ओके सर यस क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर है देखो, ओमेगा नहीं अल्फा, तो फोर्स लग रही है ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ आई अल्फा, निकाल लो ना अल्फा। टॉर्क के दो फॉर्मूले है ना, जब भी अल्फा का क्वेश्चन आएगा तो आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा, निकाल लो अल्फा। अब चेक करो रेडियंस पर सेकंड है, नहीं मीटर में है, न्यूटन चल रहा है यार। तो इसका आंसर है 15। कैसे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया है यूनिट्स को, तो ठीक है ना। फिर आर एफ इज इक्वल टू, आपने आई क्या लिया, आई क्या लिया एम आर स्क्वायर, तो क्योंकि बॉड हाफ क्यों लिया, हॉलो सिलेंडर है सॉलिड नहीं है, सॉलिड का हाफ एम आर स्क्वायर, हॉलो का एम आर स्क्वायर। याद करने का तरीका समझो, अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर सिलेंडर लेके आता हूँ, उसको टुकड़ों में काटता हूँ तो क्या निकलेगी, डिस्क। डिस्क का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। अब खाली सिलेंडर ले आओ, काटो, क्या निकलेगी, रिंग। रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर पुट करना है इसमें। अब ठीक है, नहीं अभी रुको, तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, हम अभी वापस चलते हैं अभी और क्वेश्चंस करने से पहले। तो रोलिंग में हमने प्योर रोलिंग सीखी, देखो रोलिंग के अंदर वी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, आर ओमेगा। रोलिंग में वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका टायर मिट्टी में फंस गया और आप रेस दबा रहे हो, तो ओमेगा बहुत ज्यादा है, वी सेंटर ऑफ मास कम है, तो आर ओमेगा बड़ा है, वी सेंटर ऑफ मास छोटा है, ये प्योर रोलिंग नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्लाइडिंग ज्यादा है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड ज्यादा है पर रोटेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो वी सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन आर ओमेगा, ये भी प्योर रोलिंग नहीं है। प्योर रोलिंग तभी है जब वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा होगा, तो प्योर रोलिंग है। ठीक, अब प्योर रोलिंग में बेसिकली क्या होता है, मान लो अगर प्योर रोलिंग है,
तो आपने मान लो एक टायर को या बॉडी को रोल करवाने के लिए कितनी फोर्स लगाई, एफ। अब प्योर रोलिंग हो रही है, सेंटर ऑफ मास कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। फ्रिक्शन कहाँ काम करेगी, ये हिस्सा घूम के पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ होगी, आगे जाएगी। तो ये वाला हिस्सा घूम के पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन आगे, इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे तो ग्राउंड की फ्रिक्शन पीछे, तो ऑब्वियसली ग्राउंड की तुम लेंगे नहीं तो एफ की वैल्यू होगी इसमें। तो इसके अंदर क्योंकि रोलिंग का केस है, रोलिंग बनी हुई है दो तरीकों से, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन से। तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, एफ प्लस एफ इज मास इनटू ए सेंटर ऑफ मास। तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन है एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए सेंटर ऑफ मास। रोटेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, रोटेशन की इक्वेशन बनेगी एफ फोर्स कैसे घुमा रहा है इसको, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। और ये एफ अगर मैं ऐसे लगाऊं तो कैसे घूमेगा टायर, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, आर इंटू एफ, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, आर इंटू स्मॉल एफ। तो घूम तो वो क्लॉकवाइज ही रहे, तो क्लॉकवाइज टॉर्क बड़ा होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से। तो क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज आई अल्फा। अब आई की वैल्यू स्फेयर की 2/5 एम आर स्क्वायर है और ए इज इक्वल टू आर अल्फा, मैंने रिलेशन बता दिया था। अल्फा को रिप्लेस करो ए बाय आर से, सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आएगी। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करके एक्सलेशन ऑफ सेंटर मास आएगी। लेकिन ये भी ट्रू है कि अगर आप गलती से फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट कर गए, मान लो होनी तो इधर चाहिए थी पर आपने ये लगा दी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी सही आएगा, बस इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, एफ माइनस एफ इज एम इन टू ए, ये रही। और रोटेशन की क्या बनेगी, टॉर्क की, ये फोर्स कैसे घुमा रहा है इसे, क्लॉकवाइज। अब ये फोर्स भी इसे कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। दोनों टॉर्क ऐड हो गए इस आई अल्फा, तो आंसर फिर से सेम ही आने वाला है, अभी नेगेटिव साइन, जैसा नेगेटिव साइन आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। अब पॉइंट ये है, वो पूछेगा कि जब ये प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो क्या होगी। आप नोट करें, आप एक्सलेशन निकाल सकते हैं, और जब आपने एक्सलेशन निकाल ली, इसको उठा के यहाँ पुट करके आप फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन नहीं पुट कर रहे, क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं है, क्योंकि ये स्लाइड नहीं कर रही, ये प्योर रोल कर रही है। प्योर रोलिंग में जो फ्रिक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो काइनेटिक नहीं है। काइनेटिक तब है जब बॉडी प्योर रोलिंग में नहीं है, स्लाइड ज़्यादा कर रही है और रोटेट कम कर रही है, फिर काइनेटिक है, फिर आप म्यू इनटू एन यूज कर सकते हो। पर इसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम से ही फ्रिक्शन निकालनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एक रिजल्ट है रोलिंग में, रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग में अगर इसकी वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, टू इंटू वी सेंटर ऑफ मास, ये याद रखनी है। तो रिजल्ट है प्योर रोलिंग में टॉप की जो वेलोसिटी है वो डबल है सेंटर ऑफ मास से। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि प्योर रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो ट्रांसलेशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी विल रिमेन सेम, तो वी ही रहती है। रोटेशन में ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, इसकी खड़ी खड़ी बॉडी रोटेट करेगी तो ऐसा होगा। और रोलिंग में इनका कॉम्बिनेशन है, वी प्लस वी क्या हो जाएगा, टू वी, वी प्लस जीरो क्या हो जाएगा, वी, और वी और वी आपस में कैंसिल, तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो रहती है। पर वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी बताओ। अब यहाँ की वेलोसिटी इसका और इसका वेक्टर सम है, इसका एंड इसका वेक्टर सम है, तो क्या आएगा, रूट टू वी, आंसर रूट टू वी, ठीक है यहाँ तक। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी रोलिंग के अंदर डिफरेंट आएगी, तो वेक्टर सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बन जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम, लास्ट कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल है वो है एल। एल के दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला आर क्रॉस पी और दूसरा फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा। तो पहला फॉर्मूला लिख लें आर पी साइन फाई आर क्रॉस पी, दूसरा फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा।
ठीक, ये दो फॉर्मूले हैं आर क्रॉस पी एंड आर इन टू, क्योंकि या तो क्वेश्चन टॉर्क पे आएगा आर क्रॉस एफ, अगर नहीं आएगा तो आर और पी पे भी तो आ सकता है, जैसे हमने लास्ट टाइम वो वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन देखे थे आर क्रॉस एफ, इसमें आर क्रॉस पी पे आएगा। मेथड वही है, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद लीनियर मोमेंटम एम वी और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से एच है, तो वो ये कहेगा कि एंगुलर मोमेंटम निकालो ओ पॉइंट का क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच। तो एल की वैल्यू लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज एच, आंसर। तो इसमें एक प्रोजेक्टाइल को उसने फायर किया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, वी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, वी कॉस थीटा। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, एम वी कॉस थीटा। तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट पॉइंट ओ, तो क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम एम वी कॉस थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जो कि कितना है, एच एम, आंसर। ठीक, ये आंसर आएगा। फॉर्मूला याद करना है, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ग्रेविटेशन में आएगा, कैपलर का फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट की कोई जो सन है वो फोकस पे होता है, सेंटर पे नहीं होता है एलिप्स में। कैपलर का सेकंड लॉ कहता है एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज अ कांस्टेंट। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये ग्रेविटेशन के अंदर आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई एन ओमेगा हमने कर लिया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आता है। क्वेश्चन में क्या आता है, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम किसी भी बॉडी का फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा। अगर वो बॉडी पॉइंट मास है, पॉइंट है, तो लीनियर मोमेंट इसका आई की वैल्यू क्या होगी, एम आर स्क्वायर, और वी क्या होता है, आर ओमेगा। आई की जगह एम आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी बाय आर, सॉल्व करके एम वी आर। तो लिख लें पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर यूज किया जा सकता है। क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रॉन के लिए एम वी आर इज एन एच बाई टू पाई, तो पॉइंट मासेस का एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका क्या होता है, एम वी आर। नेक्स्ट है, कोई भी प्लैनेट सन के आसपास अगर घूमे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। जैसे सन के मुकाबले अर्थ एक पॉइंट मास है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, एम वी वन आर वन, यहां पे क्या बनेगा, एम वी टू आर टू। इनको इक्वेट किया जा सकता है, एम वी आर इज अ कांस्टेंट, मास तो वैसे ही कांस्टेंट है, जब अर्थ की दूरी कम होगी आर कम होगा तो वी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, अर्थ अगर घूमती घूमती श्रिंक हो जाए, घूम रही थी अच्छी वाली, किसी टच नहीं किया, अपने आप छोटी हो गई, रेडियस आर से आर बाय एन हो गया, मास रिमेनिंग थी सेम, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, तो आई वन की वैल्यू क्या होगी, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, घूमती घूमती अर्थ छोटी हो गई तो आर की जगह क्या हो गया, आर बाय एन, तो 2 बाई फाइव एम आर बाई एन का स्क्वायर। ओमेगा क्या है, 2 पाई बाई 24 आवर्स, अब नया ओमेगा क्या है, 2 पाई बाई टी टू, तो यहां से टी टू कैन बी कैलकुलेटेड, टी टू आ गया। आई हुआ मेंस के अंदर ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास बीड्स गिवन होंगे, ठीक है, मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दो बीड्स हैं और एक रॉड है, जैसे जैसे सपोज ये मान लो आपके सामने एक रॉड है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका एक्सिस है, ये दो पॉइंट मासेज हैं M एंड M, M और M, M और M अभी कहाँ पे पड़े हुए हैं, एक्सिस पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे M और M है, छोटे छोटे M है, टोटल मास इसका M है और टोटल लेंथ इसकी L है। तो ये रॉड रोटेट कर रही है विद ओमेगा वन, हुआ क्या, घूमता घूमता क्या हुआ, घूमते घूमते ये जो बीड्स हैं ये कोने पे आ गए, स्मॉल एम एंड स्मॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाई टू। आपको बताना है नया ओमेगा क्या होगा, तो आपने लगाना है आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू,
तो ये आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। पहले बीड्स एक्सिस पे हैं तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जीरो। तो क्या बनेगा आई का फॉर्मूला? एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। फिर नया क्या बन जाएगा? एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस 2 इंटू पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। ओमेगा 2 कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। ठीक है, तो बीड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है, एक डिस्क रोटेट कर रही है, एक डिस्क के ऊपर एक और डिस्क हमने रख दी जेंटली प्लेस्ड। तो जब डिस्क अकेली घूम रही थी I1 विद ओमेगा 1, एक और डिस्क को जब रख दिया तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन गया? I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो I1 इंटू ओमेगा 1 इज I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 2, ये याद रखना है। इसके बेस पे इस क्वेश्चन को ट्राई करें प्लीज।
सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या हुआ कि टू ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है, हमने पॉइंट मास को कॉर्नर पे अटैच कर लिया जेंटली, तो ओमेगा क्या होगा, तो आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, आई क्या है रिंग का, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, फिर पॉइंट मासेज ऐड हो गए तो एम आर स्क्वायर प्लस टू इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश की वैल्यू आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कि हमने ऐसा If Earth suddenly shrinks to 1/64th of the original volume, with its mass remaining the same, the period of rotation of the Earth becomes 24/XR. Value of x क्या होगा? देखो पहला पॉइंट क्या है, आप पहले वॉल्यूम को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और रेडियस निकालेंगे। तो उसने क्या बोला, अर्थ श्रिंक हो गई 1/64th ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, 4/3πR³, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, इसका क्या करना है 1/64th, नया वॉल्यूम क्या आएगा 4/3πr³, r की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल r आ गया। अर्थ कभी भी श्रिंक होती है तो क्या रूल लगेगा, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। आई वन की वैल्यू क्या लगेगी स्टार्टिंग में, 2/5mr² इंटू ओमेगा, और नेक्स्ट में क्या लगेगी 2/5m r² इंटू ओमेगा। ओमेगा वन की जगह 2π/24, ओमेगा टू की जगह 2π/T, कैपिटल टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। आंसर चेक करो, आंसर क्या आ रहा है, कितना, हाँ चेक करें, 16 सही है, सही। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास गिवन एंड रेडियस गिवन इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर विद एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियंस पर सेकेंड, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट इज गिवन, इतने टाइम मींस x इनटू 10 की पावर माइनस 2 टाइम द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर, तो क्या प्रॉब्लम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट द टेंजेंट, प्लीज दिस इज टेंजेंट, इज इक्वल टू x इंटू 10 की पावर माइनस 2 टाइम्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट डायामीटर। ये इक्वेशन है, आप एक स्क्वायर का आई टेंजेंट निकालें, आप l निकालें, l का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, i टाइम्स ओमेगा, तो यहां से सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेट। चेक करें प्लीज x क्या आ रहा है, पुट करें तो i टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी बताएं, एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है 2/5mr², तो यहां पे क्या होगा 2/5mr² प्लस mr² क्या आएगा 7/5mr² पुट करें प्लीज 7/5mr², तो यहां पर भी और यहां पर भी दोनों जगह पुट करना है इसे 7/5mr², तो यहां से सॉल्व करके x कैन बी कैलकुलेटेड। तो फाइंड x 2/5, सी यहां पे 2/5 आएगा, उसने क्या बोला एंगुलर मोमेंटम अबाउट डायमीटर, अब स्फीयर का जो डायमीटर है वो ये है, तो आई की वैल्यू यहां पे क्या पुट करनी है 2/5mr², टेंजेंट में क्या पुट करनी है 7/5, और वैसे डायमीटर में क्या पुट करनी है 2/5। अब करें सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कितना 35, नेक्स्ट 14,
35। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू, तो एल कॉन्स्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एल कॉन्स्टेंट है। अब करें जरा ट्राई, क्वेश्चन में क्या निकालनी है? एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक है, तो काइनेटिक एनर्जी और एल का रिलेशन निकाल लो पहले। कैसे? तो के और एल का रिलेशन निकाल लो, फिर आंसर निकाल लो।
सर्कुलर प्लेट इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट. तो एक प्लेट ना ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है. पर्सन सिट्स एट द सेंटर एंड दो डंबल्स हैं उसके हाथ में. तो डंबल्स हैं उसने ऐसे पकड़े हुए हैं. उसने डंबल्स को क्या किया, खोल दिया. डंबल्स को उसने खोल दिया. अब उससे क्या हुआ, उसका आई बढ़ गया. तो आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू. आपको क्या निकालना है, ई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है. फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, आई वन ओमेगा वन, आई टू ओमेगा टू चलेगा. उससे बढ़िया फॉर्मूला है एक, ई का फॉर्मूला याद है वर्क एनर्जी पार में, ये था. आप ये ना लगाएं, आप ये लगाएं, एल स्क्वायर बाय टू आई. क्यों, पी की जगह एल, एम की जगह ए, बन गया फॉर्मूला. अब देखो एल तो दोनों में एग्जैक्टली क्या है, सेम. डम्बेल जो है वो उसने क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रिपल हो गया. तो यानी कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ई डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्री आई. डिवाइड करके ई डैश एंड ई से ई डैश की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ई. सही है. तो यहां से ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रिपल हो गया. एल को तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि एल कॉन्स्टेंट है, बात ही खत्म हो गई. ठीक, थ्री आंसर आ गया. बताइए थ्री आंसर आएगा. नेक्स्ट, नेक्स्ट में थिन यूनिफॉर्म लेंथ रॉड है. यहां पे यूनिफॉर्म थिन रॉड है, यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ गिवन एंड क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन एंड डेंसिटी भी गिवन. रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. फाइंड ओमेगा इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. देखो मुझे जो फॉर्मूला आता है वो एक ही आता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई की वैल्यू क्या है, एम एल स्क्वायर बाय 12. आपको आपका क्वेश्चन किस में पुट करना है, डेंसिटी में. तो आप मास को लिखे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू थिकनेस इंटू एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम है, और इंटू डेंसिटी डी. बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा निकाल लें. लेंथ आपको क्वेश्चन में 2 मीटर गिवन है, लेंथ की जगह 2 पुट कर लें, कंपेयर करके आंसर निकाल लें. पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें. थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है इसमें, यहां पे मॉडिफिकेशन है. मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी. बस वहां से आंसर आ जाएगा. ठीक, रोलिंग मोशन क्या आंसर मार्क करेंगे, करवाया था आज शीट में. कितना एबीसीडी में से क्या, बी बी कि सी कि डी. बी तो बिल्कुल गलत है. आज करवाया था कि अगर ए पार्टिकल पूरा रोटेशन करता है, अगर ए पार्टिकल कंप्लीट एक रोटेशन करता है तो सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 2πr. 2πr यहां पे कितना है, πr, क्योंकि वो यहां से ए पॉइंट यहां से यहां चला गया. तो टोटल डिस्टेंस कितना है, πr, और ये क्या है, 2r. तो डायम, ये आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, पाइथागोरस लगाओ, आंसर निकाल लो. आंसर सही है. तो कैसे सोचा आपने, ठीक क्वेश्चन नहीं समझा. नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें, सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर हैविंग मास एम एंड रेडियस आर रोल डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम टॉप विदाउट स्लिपिंग. प्योर रोलिंग है. दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर टू दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी इक्वल टू व्हाट. आज किया हमने, कैसे किया हमने, ऐसे किया कि मान लो ये हाइट क्या है, एच है. ठीक, ये हाइट एच है. मान लो आपको यहाँ पे वेलोसिटी वी निकालनी है, तो क्या रूल सिखाया था, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. एक बार आप ये सॉलिड सिलेंडर के लिए लगाएं तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है, हाफ. और एक बार सॉलिड स्फीयर के लिए लगाएं तो क्या पुट करेंगे, 2/5. तो निकाल लेना, वेलोसिटी की रेशियो आ जाएगी. मेथड समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर आएगा. ठीक, जैसे ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, बोलो क्या लगेगी इक्वेशन, इक्वेशन बोलो. बॉडी रोल करती हुई ऊपर चढ़ रही है, तो यहां पर हाफ एम बी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एम जी एच. इक्वेट कर लेना, आंसर आएगा. उसी तरीके से ये क्वेश्चन है,
क्या निकालना है, रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एक स्फेरिकल शेल है, शेल मींस 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर। तो आपको निकालना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है टू दी टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू वॉट, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या पुट करेंगे, 2 बाई 3, आई की जगह क्या पुट करेंगे 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे वी बाई आर का स्क्वायर। निकाल लेना यहां से आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि अब फ्रैक्शन निकालनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी के साथ, तो क्या आंसर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन नहीं, ये नहीं, ये क्वेश्चन है, क्या करें इसमें, रेशो का आंसर है इसका 2, 2, इसका आंसर आपको वेलोसिटी बतानी है सॉलिड सिलेंडर के नीचे आने की, वी वेलोसिटी बतानी है। तो क्या करना है, अगर ये 60 है 30 तो बोलो ये कितना, 60 इंटू साइन ऑफ 30, एच आ गया। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच इज इक्वल टू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो पुट कर लेना और वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, एच की वैल्यू पुट कर लेना। कोई डाउट इसमें, ठीक है।